हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में प्राइजेज को देखने वाले हैं। बिटकॉइन, इथेरियम, रिपेल, बिटकॉइन कैश, लाइट कॉइन, डैश कॉइन और दोस्तों दो रिक्वेस्टेड कॉइन भी है, LSK कॉइन और स्टेटस कॉइन। ठीक है दोस्तों, लाइव चार्ट पर देखने वाले हैं। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं अभी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में हूँ और दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी करेंसी अभी थोड़ी डाउन आ रही है। रिपेल का प्राइस बहुत ही अच्छा गया है दोस्तों, बिटकॉइन का भी ऊपर जा रहा है और मार्केट कैप ऑलमोस्ट इंक्रीज हो रहा है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर मैंने चार्ट खोल के रखा हुआ है दोस्तों। ये बिट्रेक्स का चार्ट है, BTC USDT का। अगर नहीं पता है तो नीचे लिंक मिल जाएगा। ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है दोस्तों, यहां पर आप फ्री में अकाउंट बना सकते हैं, किसी भी चार्ट के ऊपर फ्री में एनालिसिस कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और यहां पर अभी बुलिश है दोस्तों बिटकॉइन का मार्केट। और मैंने पहले कहा था कि ये जो 16,800 का लेवल है, इसके ऊपर ब्रेकआउट लेते आपको बाय करना है। आई थिंक आपने कर लिया होगा दोस्तों। ठीक है, और यहां से अभी मार्केट बुलिश हो गया है दोस्तों थोड़ा बहुत, लेकिन वोलेटिलिटी अब भी कम है दोस्तों। जितनी यहां पर थी जब ये मार्केट यहां से ऊपर गया था दोस्तों, उतनी तो अभी नहीं है, लेकिन अभी भी है इसके ऊपर। ठीक है, तो अभी चांसेस है दोस्तों, लगभग पहला मैं लेवल दूंगा दोस्तों 18,780 का। अगर उससे ऊपर मार्केट ब्रेकआउट लेता है तो हमारा जो है 20,000 का रहेगा दोस्तों। अभी के लिए ये लेवल है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वॉल्यूम थोड़ा कम है, लेकिन अब मूव है दोस्तों और ब्रेकआउट मिल चुका है। तो अभी के लिए हमारा जो ये रेजिस्टेंस लेवल था दोस्तों, अब वो सपोर्ट का काम करेगा। अभी दोस्तों बिटकॉइन में नीचे का यही लेवल है, ठीक है, ये सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपर का लेवल ये दोस्तों मैंने जो अभी दिया है। ठीक है, अगर उससे ऊपर मार्केट जाता है तो 20,000 का रहेगा। अब दोस्तों मैंने उस दिन एक लॉन्ग टर्म के लिए एक वीडियो बनाई थी दोस्तों, जिसमें मैंने बताया था बिटकॉइन का प्राइस क्या हो सकता है और एक हाई बनाने के बाद फिर डाउन आ सकता है। तो दोस्तों उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद वन डे के चार्ट पर जाकर आप खुद देखिए, ठीक है, क्या क्या हो सकता है दोस्तों। और अभी के लिए यही है इसमें अपडेट। अब दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं रिपेल को। तो दोस्तों ये रिपेल का चार्ट, और यहाँ पर मैंने रिपेल BTC में खोल के रखा हुआ है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि BTC में देखा करो इसका प्राइस। तो दोस्तों BTC में क्या होता है पता है, अभी बिटकॉइन का रेट ऊपर जा रहा है तो ये ऑटोमेटिकली डाउन आ जाएगा दोस्तों। अगर इसका प्राइस डाउन ना भी आए तब भी ये करेंसी जो है डाउन आ जाएगी दोस्तों, बिटकॉइन में और डॉलर में ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये इफेक्ट पड़ता है दोनों तरफ से। और इसमें भी मैं लेवल दे देता हूँ दोस्तों, तब भी आपको ठीक है डाउन, अभी सपोर्ट पे ही ये मार्केट लगभग 4,000 का रहेगा दोस्तों अभी का सपोर्ट, उससे डाउन आया तो लगभग 3180 का। और दोस्तों डाउन आने के अभी थोड़े कम चांसेस लग रहे हैं दोस्तों, अभी हो सकता है कि थोड़ा डाउन आए। अगर ये जो हिस्टोग्राम है और छोटे बनने लग गए और नीचे की तरफ एक भी बन गया तो दोस्तों डेफिनेटली जो है थोड़ा बहुत ज्यादा डाउन आ सकता है दोस्तों। नीचे का अभी ये दूंगा दोस्तों 3180 का। और दोस्तों यहां से ऊपर गया मार्केट तो पहला हमारा वही रहेगा दोस्तों, ये रेजिस्टेंस लेवल है अभी, जहां से मार्केट टकरा के नीचे आया दोस्तों 5330 का। अगर उसके ऊपर जाता है तो दोस्तों 62 तक जाएगा मार्केट। ठीक है, ये बिटकॉइन में दोस्तों। अब इसी को हम USD में भी देखते हैं दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों USD का चार्ट, रिपेल का ही बिट्रेक्स का ही चार्ट है दोस्तों। ठीक है, अभी जो है इसी लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, $0.7 में सपोर्ट रहेगा दोस्तों, उससे डाउन का जो एक वीक सपोर्ट है ठीक है 0.6 पे। अभी ज़्यादा डाउन आने के चांसेस तो नहीं है दोस्तों, जो लास्ट डाउन आ सकता है वो आ सकता है 0.5 तक, और उठने के चांसेस ज़्यादातर है दोस्तों। अभी थोड़ा डाउन आ गया फिर से, ठीक है, और इसी लेवल से पहला तो 0.7, अगर यहाँ से मार्केट ऊपर गया अभी दोस्तों इसी पे है, यहीं से ऊपर जाने के चांसेस तो है, और 0.86 ये अभी के लिए रेजिस्टेंस लेवल है दोस्तों। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट लेता है तो हम ले सकते हैं 0.97 तक का। ठीक है, $0.97 में है दोस्तों ये, और डाउन का। और दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप होल्ड करना चाहते हैं इस कॉइन को तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, XRP और रैंकिंग भी अभी बढ़ गई दोस्तों मार्केट में, सभी इसके अंदर ट्रेड कर रहे हैं, तो अभी के लिए इसका अच्छा प्राइस जो है बहुत ही अच्छा जाने वाला है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों एक बार ETH को, इथेरियम को। इथेरियम का सेम हुई है दोस्तों, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, नीचे का सपोर्ट मैंने जो दिया था 650 का, अभी मार्केट उसी पर है, और दोस्तों उससे डाउन आया तो उससे नीचे का हो सकता है लगभग $600 में, और यहाँ से ज़्यादातर उठने के चांसेस है दोस्तों इन दो लेवल से। अभी तो इसी लेवल पे है, तो यहाँ से अगर उठा मार्केट तो लगभग पहला हमारा रहेगा दोस्तों 715 का, जो रेजिस्टेंस लेवल है, इससे ऊपर लेता है तो 760, अगर उससे ऊपर गया तो दोस्तों एक नया बहुत ही अच्छा हाई बनाएगा ये। ठीक है, लेकिन अभी के लिए ये दो रेजिस्टेंस लेवल तोड़ने हैं दोस्तों इसको। जब भी मार्केट हाई होके डाउन आता है तो दोस्तों ऊपर जाने में थोड़ी बहुत तकलीफ होती है मार्केट को। अभी डाउन के जो चांसेस है दोस्तों ये दो है, और 600 से अगर उठा मार्केट तो बहुत ही अच्छा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक फिबोनाची रेशियो भी निकल जाएगा हमारा। ठीक है, और फिबोनाची रेशियो से जैसे मार्केट उछलता है एक लंबी जो है छलांग लगाता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दोस्तों, अभी तो कुछ भी ज़्यादा मोमेंट नहीं है दोस्तों इसके अंदर। ठीक है, अभी जो ऊपर का 715 तोड़ना पड़ेगा दोस्तों, उसी के बाद हम आगे क्या लगा सकते हैं। अभी नीचे के जो है पहला तो ये सपोर्ट है, उसके नीचे 600 का रहेगा दोस्तों। इसके बाद देखते हैं एक बार डैश कॉइन को।
और दोस्तों डेस्कॉइन का मार्केट थोड़ा बहुत डाउन आ रहा है, ठीक है। और मैंने जो सपोर्ट दिया था दोस्तों लगभग 850 का, उसी पर है अभी मार्केट, जो मैंने नेक्स्ट पहले इससे पहले वाली वीडियो में दिया था, ठीक है। मार्केट उसी पर है अभी, टिका हुआ है, और लेकिन ये थोड़ा वीक सपोर्ट है दोस्तों, उठने के थोड़े कम चांसेस है, इससे नीचे जो आ सकता है 800 पर गिरेगा दोस्तों, वो हमारे लिए एक स्ट्रांग सपोर्ट रहेगा अभी के लिए। और दोस्तों ऊपर का अभी कुछ भी मन लगाइए दोस्तों, अभी का जो है दोस्तों 960, ठीक है, 960 के ऊपर जाता है तो डेफिनेटली लगभग दोस्तों 1200 कह सकते हैं इसका प्राइस जा सकता है दोस्तों अभी के लिए। तो एक बार मैं 960 में एक लेवल दे देता हूं ताकि आपको याद रहे, दोबारा भूले नहीं, ठीक है। जब भी मार्केट ऊपर जाएगा आपको याद रखना होगा 960 का लेवल, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों, अभी थोड़े डाउन के मूवमेंट है इसमें भी, ठीक है, थोड़ा डाउन आ सकता है प्राइस, तो अभी इसके अंदर एंटर मत कीजिए दोस्तों। इसके बाद देखते हैं एक बार बीसीसी को। ये दोस्तों बीसीसी का, और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था लगभग 2000 तक जा सकता है, लेकिन जो मार्केट गया है दोस्तों 2000 नहीं पहुंचा है, मार्केट लगभग $1965 से दोस्तों डाउन आ गया है मार्केट। और जो पहला हमारा सपोर्ट था दोस्तों 1750 का, वो टूट गया और उससे नीचे आ गया दोस्तों। अभी जो मार्केट है वो ये जो दोस्तों 20 वाली मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे है, ये इतना स्ट्रांग तो नहीं है दोस्तों, लेकिन थोड़ा बहुत अभी के लिए सपोर्ट कह सकते हैं, ठीक है। और जैसे आप सपोर्ट टूट जाता है दोस्तों आपको निकल जाना चाहिए किसी भी मार्केट से, ये आपको भी पता है दोस्तों, मैं बहुत सी वीडियो में बता चुका हूं, अगर नहीं पता है तो हमारी वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे सपोर्ट टूटते आपको निकल जाना है, जैसे दोस्तों रेजिस्टेंस लेवल को छू लेता है मार्केट, निकल जाना है दोस्तों। अगर लंबा टारगेट है तो छोटा मोटा है तो वहां पर आप टिके रह सकते हैं, ठीक है। अभी के चांसेस दोस्तों यहाँ पर थोड़ा बहुत वॉल्यूम तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन दोस्तों जब तक ये 20 वाली मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट नहीं आ जाता तब तक हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट पूरा नीचे आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत वॉल्यूम तो है, भले यहाँ पर क्रॉसओवर मिल चुका है, लेकिन दोस्तों अभी भी थोड़ा बहुत वॉल्यूम इसके इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हम इतना अच्छा वॉल्यूम नहीं कह सकते जब तक 1750 के ऊपर नहीं ब्रेकआउट ले लेता। अगर दोस्तों इस मार्केट ने 1750 के ऊपर ब्रेकआउट लिया तो नेक्स्ट हम दोबारा 2000 का टारगेट रख सकते हैं दोस्तों। अभी डाउन के जो है पहला तो यही है, उससे डाउन आया तो हमारा फिर उसी 1400 के लेवल पे जो है आ जाएगा दोस्तों मार्केट। इसके नीचे सपोर्ट मिलना थोड़ा मुश्किल है दोस्तों, ठीक है। छोटा सा एक सपोर्ट 1585 पर थोड़ा सा मिल सकता है साइड, ठीक है, डेफिनेटली नहीं है। अभी क्या ये दोस्तों बीसीसी के अंदर, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस ऊपर गया दोस्तों इसलिए बीसीसी का थोड़ा वो डाउन आ गया। हमेशा आपने देखा है दोस्तों बीसीसी और बिटकॉइन का जो है ठीक अपोजिट रहा है, जब भी बिटकॉइन ऊपर जाता है तो बीसीसी जो है डाउन आ जाता है दोस्तों वहां पर, ठीक है। तो अभी के लिए यही दोस्तों डाउन का ये रहेगा, उठने के चांसेस तो है दोस्तों, अगर बिटकॉइन डाउन आया तो ये उठ जाएगा, लेकिन अभी बिटकॉइन का जो है दोस्तों अब मूवमेंट है तो हो सकता है दोनों भी उठे, लेकिन अभी के लिए यही है दोस्तों, अभी का सपोर्ट ये रहेगा, उससे डाउन का सपोर्ट लगभग 1585 पे मिल सकता है, और ऊपर का ये आप एंट्री अगर करना चाहते हैं तो इसके ऊपर कीजिए, होल्ड करना चाहते हैं तो अभी के लिए सही है, आप होल्ड भी कर सकते हैं दोस्तों, इतना डाउन का मूवमेंट भी नहीं बना, थोड़ा बहुत डाउन तो आ सकता है लेकिन सपोर्ट लेवल पर आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों LSK कॉइन को, LSK, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों इसका प्राइस बहुत ही अच्छा गया था, यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ से जो प्राइस उठा था इसका, ऑलमोस्ट जो प्राइस गया है दोस्तों लगभग 11.5 डॉलर तक गया इसका प्राइस, वहाँ से पूरा डाउन आ गया है दोस्तों, ठीक है। और वहाँ से जो डाउन आया है पहला जो लेवल है दोस्तों फिबोनाची को मैंने डाला हुआ है दोस्तों, 38.2 रेशियो होता है फिबोनाची का, और यहाँ से ज़्यादातर पहला चांस जो होता है दोस्तों ये परफेक्ट सपोर्ट होता है दोस्तों, ठीक है, फिबोनाची का, तो यहाँ से उठने के ज़्यादातर चांसेस होते हैं। अभी पहला चांस जो है दोस्तों इसी लेवल से उठने का है, ठीक है, जो यहाँ पर है, जो अभी मार्केट ठीक 38.2 फिबोनाची रेशियो पर भी है, अगर उससे डाउन प्राइस आया तो दोस्तों दूसरा आ सकता है 50 वाली रेशियो पे, ठीक है। और 50 वाला जो रेशियो है दोस्तों लगभग 9 डॉलर का कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है, और 8.5 या 9 डॉलर का, और उससे डाउन आने के थोड़े कम चांसेस है दोस्तों, और उससे डाउन आया तो लगभग 61.8 गोल्डन रेशियो, इससे डाउन तो नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि ये दो जो सपोर्ट होते हैं दोस्तों ये बहुत ही स्ट्रांग होते हैं फिबोनाची के सपोर्ट्स, और यहाँ से ज़्यादातर मार्केट उछलता है। और दोस्तों पहला लेवल अभी इसी का ले सकते हैं दोस्तों, उसके बाद दो लेवल से नीचे ले सकते हैं, अगर इन दो से उछला तो दोस्तों एक जो है उछलान लंबी होगी दोस्तों थोड़ी बहुत, और जो पहला होगा दोस्तों पहला तो हमारा ठीक वही रेजिस्टेंस लेवल होगा दोस्तों 11.5 का डॉलर में दोस्तों, ठीक है। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है तो दोस्तों ये ऑल टाइम हाई है करेंसी, तो थोड़ा बहुत रिस्की भी है, पहले तो हम यहीं का वेट करेंगे दोस्तों। और ये दो लेवल जो है यहाँ से उठने के ज़्यादा चांसेस है, जो अभी के लिए मैक्सिमम जो डाउन आ सकता है दोस्तों 8.3 डॉलर तक, ठीक है, और उससे डाउन आने के अभी चांसेस नहीं लग रही दोस्तों, बाद में मैं अपडेट देता रहूँगा। इसके बाद दोस्तों स्टेटिस कॉइन को,
तो ये है चार्ट, और शायद ये चार्ट मैंने पहले बना के रखा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर सेव है ये चार्ट, पहले भी शायद मैंने इसको देखा है कुछ दिन पहले। और दोस्तों ये देखिए, पहले से मैंने एक लेवल दे के रखा हुआ है और ये एरो भी मैंने पहले से दिया हुआ है दोस्तों। 10 $10 के अगर ऊपर मार्केट जाता है तो दोस्तों $12 का ले सकते हैं। अभी जो है मार्केट इसी के बीच में घूम रहा है, वोलेटिलिटी थोड़ी कम है दोस्तों इसके अंदर। और अभी का जो सपोर्ट नीचे का रहेगा दोस्तों, मेरे हिसाब से अभी के लिए जो सपोर्ट मिल सकता है दोस्तों इससे नीचे लगभग $8.8 में, ठीक है। चांसेस है दोस्तों इस सपोर्ट से उठे, उससे नीचे आए तो दोस्तों 7.8 का जो हमारा अभी के लिए ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा दोस्तों। यहाँ से उछलने के चांसेस है और आपको आपकी जो एंट्री होगी $10.1 डॉलर के बाद ही होगी दोस्तों। उसके बाद हम एक ले सकते हैं रेजिस्टेंस लेवल $12 का। और दोस्तों फाइनली शायद हमने सारे कॉइन्स को देख लिया है जितने भी थे, और एक बार दोस्तों लेट कॉइन को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों लेट कॉइन के ऊपर अभी वोलेटिलिटी इंक्रीज हुई है दोस्तों, लेकिन अभी तक बोलिंजर बैंड में कोई भी वोलेटिलिटी नहीं है। थोड़ा बहुत वेट कर सकते हैं दोस्तों। जो हमारा लेवल था यहाँ पर देखिए 292 का, जो मैंने पिछली बार सपोर्ट दिया था दोस्तों, उससे नीचे मैंने 250 का सपोर्ट दिया था। परफेक्टली मार्केट दोस्तों जैसे 292 से नीचे गिरा और 250 पे ही सपोर्ट लिया, और दोस्तों यहाँ से एक बार अभी उठ चुका है दोस्तों। वॉल्यूम थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है और दोस्तों लगभग RSI में कंफर्म नहीं है दोस्तों, रिवर्स कंफर्म नहीं दिया है RSI ने, तब भी दोस्तों यहां पर कह सकते हैं ये देखिए हिस्टोग्राम छोटे छोटे बन रहे हैं तो और एक छोटा बन गया, इसके ऊपर बनने लग जाएंगे। उसके बाद दोस्तों MACD में क्रॉसओवर, ज्यादा तो चांसेस है अभी ऊपर जाने के, लेकिन दोस्तों इसमें वोलेटिलिटी नहीं है। थोड़ा बहुत वेट करना चाहिए तो कर सकते हैं, अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो दोस्तों इसके ऊपर ही आप करेंगे 292 के ऊपर, उसके बाद 340 का। अभी इसके ऊपर का हम कोई भी नहीं रखेंगे दोस्तों, अगर इसके ऊपर गया तो बाद में देखा जाएगा। अभी जो है बोलिंजर बैंड में वोलेटिलिटी नहीं है दोस्तों, लेकिन इस कैंडल पे भी बहुत ही अच्छा वॉल्यूम निकला है दोस्तों, लेकिन हम नेक्स्ट कैंडल का वेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये कैंडल ऊपर जाएगी तो दोस्तों अभी इतना अच्छा तो नहीं है, इसके ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद ही घुसे दोस्तों 292 के ऊपर, उसके बाद हम ले सकते हैं 340 का। लेट कॉइन के ऊपर अभी थोड़ा बहुत वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, लेकिन इतना भी बेटर नहीं है दोस्तों। एक ही कैंडल में वॉल्यूम जो है इंक्रीज होना इतना अच्छा भी नहीं होता। और बस दोस्तों इसमें इतनी अपडेट्स, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगी होगी ये वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, और दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूज जरूर देना दोस्तों। ये जो भी मैं एनालिसिस की वीडियो दे रहा हूँ ये आपको अच्छी लगती है या नहीं लगती है, नहीं तो हम चेंज करेंगे दोस्तों, नहीं तो ये एनालिसिस की छोड़ के फिर हम टेक्निकली कोई और चीज़ जो है बताएंगे दोस्तों, ठीक है। अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगती है तो ये बनाऊंगा दोस्तों, अगर नहीं तो हम फिर एनालिसिस की वीडियो छोड़ देंगे दोस्तों, ठीक है, और हम फिर टेक्निकल एनालिसिस की तरफ जाएंगे। लेकिन उसमें जो है व्यूज कम आते हैं दोस्तों, ज़्यादा लोग जो है इच्छुक नहीं है, ठीक है, और देखते दोस्तों क्या होता है, ठीक है। और टेक्निकल की वीडियोज में बना रहा हूँ, मैंने 10-12 वीडियो बना रखी है दोस्तों, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कुछ अलग तरीके से उनको अपलोड करूँ। यूं ही नहीं कि मतलब डाल दिया बीच बीच में वीडियोज, कोई देखते हैं कोई नहीं देखते हैं, और ऊपर नीचे हो जाती है दोस्तों वीडियो, ठीक है। मैंने बना रखी है, मैं एक वेबसाइट पर अलग तरीके से रखूंगा दोस्तों, जहाँ से आपको मतलब एक स्टेप बाय स्टेप जो है वीडियो मिलती रहेंगे दोस्तों, ठीक है। अभी के लिए चलता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। अभी के लिए बाय बाय।